चैप्टर 5 बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। पहले के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पे बात करें, ये क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कन्वेंशंस और एक्सेप्टेड प्रैक्टिस व्हिच अप्लाई जनरली टू ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, कन्वेंशंस और एक्सेप्टेड प्रैक्टिस व्हिच जो अप्लाई जनरली टू प्रोजेक्ट। अच्छा, दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड बाय अकाउंटेंट्स ओवर टाइम। द प्रिंसिपल्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन उसके होगा विच एसेट एंड लाइबिलिटी था रिकॉर्डेड ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाउ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर वैल्यूड। व्हाट इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एंड एट वॉट अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड। ये सब बातें में कौन बताता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताते हैं। जैसे कई हमने पढ़ भी लिए, मजीद इसमें बात करते हैं अभी। पढ़ते हैं बिजनेस एंटिटी हम पढ़ चुके हैं। बिजनेस क्या होता है, एक सेपरेट एंटिटी है ना, यानी व्हाट द बिजनेस सेपरेट एंटिटी, ओनर सेपरेट एंटिटी। अच्छा, इसको अब जरा पढ़ते हैं डिटेल, इसमें कुछ नई बातें भी हैं। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स ओनली टू द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड नॉट टू द पर्सनल एक्टिविटीज ऑफ इट्स ओनर। तो हम जो अकाउंटिंग में जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ओनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते। वजह क्या हुई, सेपरेट एंटिटी कि अकाउंटिंग पॉइंट पे से हम ये कहते हैं कि ओनर सेपरेट एंटिटी और बिजनेस सेपरेट, इसलिए हम सिर्फ बिजनेस की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं, ओनर की पर्सनल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड नहीं करते। अच्छा, बिजनेस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज दो द बिजनेस इज एन एंटिटी दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। अच्छा, ये बात हम करते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं। सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप आर नॉट लीगली सेपरेट फ्रॉम देयर ओनर्स। अब अगर हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप सिंगल एंटिटी एंड सेपरेट एंटिटी नहीं थे। ये बात हो रही है लॉ की। लॉ कौन सा, बिजनेस लॉ हमारा, ठीक है। अच्छा, तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप सेपरेट एंटिटी नहीं होते, सिर्फ कंपनी सेपरेट एंटिटी। बाकी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर बिजनेस सेपरेट एंटिटी होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, आप इसका मतलब क्या है, नॉट अ सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अ सोल ट्रेडर इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस एंड हिज और हर ओन पर्सनल एसेट्स मस्ट बी सोल्ड टू मीट देम इफ द बिजनेस डज नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज। वो भी पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप एक सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस खत्म हो, बिजनेस वाइंड अप हुआ, अब क्या होगा, आप अपने एसेट सेल करेंगे, कैश जमा हो जाएगा, उसके बाद लाइबिलिटीज पे करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर लाइबिलिटीज पे करने के बाद कैश बचता है तो आप घर ले जाएंगे, ठीक है। और अगर कैश, अच्छा, और अब क्या हुआ कि आपने लाइबिलिटीज पे करना शुरू की, कैश खत्म हो गया, लाइबिलिटीज खत्म नहीं, अब क्या होगा। हाँ, अब आपको अपने पर्सनल एसेट्स बेचना पड़ेगा, घर, गाड़ी, ज्वेलरी, ठीक है, कुछ भी। तो जब तक आप लाइबिलिटीज पे नहीं करेंगे, आपकी जान नहीं छूटेगी, ये मतलब इसका, ठीक है। कंपनी में भी अगर तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, सेपरेट नहीं होती है, यानी कि जब तक आप लाइबिलिटीज पे नहीं करेंगे, आपकी जान नहीं छूटेगी, चाहे उसके लिए आपको अपने पर्सनल एसेट्स क्यों ना बेचना। अच्छा, इवन सो फॉर अकाउंटिंग पर्पस अ बिजनेस इज रिगार्डेड एज बीइंग अ सेपरेट एंटिटी एंड अकाउंट्स आर ड्रॉन अप फॉर द बिजनेस सेपरेटली फ्रॉम द ट्रेडर्स ओन पर्सनल फाइनेंशियल डेट। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेपरेट ही हो। अच्छा, अब आते हैं कंपनी की बात करते हैं। इन कंट्रास्ट, अ लिमिटेड कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी सेपरेट एंटिटी, ओनर सेपरेट, कंपनी सेपरेट, ठीक। अ कंपनी कैन आइदर एंटर इनटू लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन राइट्स, ठीक है। इफ इट बिकम्स इनसॉल्वेंट, बंद हो गई, द ओनर्स आर ओनली लायबल फॉर द सम दैट दे हैव इन्वेस्ट। कंपनी
कंपनी में क्या होता है, कंपनी है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई, आप एक शेयर होल्डर हैं कंपनी के, कंपनी आपके इंसॉल्वेंट हो गए बंद, अब क्या होगा, कंपनी के एसेट सेल होंगे, लाइबिलिटीज पे करेंगे, कैश खत्म हो गया, लाइबिलिटीज खत्म नहीं, तो क्या आप शेयर होल्डर्स को घर से पैसे लाना पड़ेंगे, क्या उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी, नहीं, अब नहीं, क्योंकि कंपनी क्या है, एक सेपरेट एंटिटी, ओनर सेपरेट, कंपनी जो अपनी लाइबिलिटीज के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कंपनी हमने सील कर दी, कैश जमा हुआ, लाइबिलिटीज पे करना शुरू की, कैश खत्म हो गया, लाइबिलिटीज खत्म नहीं हुई, तो अब शेयर होल्डर्स को घर से पैसे लाने की जरूरत नहीं, अभी उनका लॉस है जिन्होंने कंपनी से पैसे लेने, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था, कंपनी के साथ, शेयर होल्डर के साथ नहीं, कंपनी के साथ, कंपनी एक सेपरेट, ओनर बिल्कुल सेपरेट। अच्छा, इसको आप दूसरे अल्फाज में इस तरह भी कह सकते हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, तो मजीद पैसे लाने की जरूरत नहीं। डायरेक्टर को उसके कंपनी में डायरेक्टर कुछ का पैसा है उसके कंपनी के ओनर कौन होता है, ऑनर शेयर डायरेक्टर शेयर होल्डर होते हैं, डायरेक्टर कंपनी कौन होता है, स्टेटस क्या होता है, ओनर, डायरेक्टर एम्प्लॉय क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, डायरेक्टर एम्प्लॉयज होते हैं, वो कंपनी चला रहे होते हैं, सैलरी लेते हैं, ओनर शेयर होल्डर होते हैं, तो डायरेक्टर का तो कोई पैसे ही नहीं डूब रहा ना, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती, कुछ भी नहीं है, वो तो एम्प्लॉयज हैं, सैलरी लेंगे, कंपनी बंद ही अपने घर चले जाएंगे। लेकिन मार्केट से तो कंपनी के नाम से हाँ, लेकिन एक मिलते किसके नाम पे, कंपनी, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, कंपनी, डायरेक्टर अब यूं कह लेंगे, डायरेक्टर जो है वो कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी का एक बिल्डिंग है ना, वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है, खुद कैसे काम करेगी, तो उसके बिहाफ पे डायरेक्टर्स काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स करते हैं, लेकिन वो किसके बिहाफ पे होते हैं, कंपनी के बिहाफ पे, नाम किसका यूज होगा, कंपनी का, तो पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कंपनी खुद, डायरेक्टर नहीं हो। सारी कंपनीज, तो अभी ये डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल एंटिटी है, और कंपनी जो है वो एक सेपरेट है जो अपनी लाइबिलिटीज के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा, यू विल नॉट बी आस्क टू प्रिपेयर अकाउंट्स ऑफ लिमिटेड कंपनी फॉर दिस पेपर, ऑल्दो द प्रिंसिपल डिस्कस्ड थ्रू आउट द चैप्टर आर द सेम, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स हम पढ़ेंगे किसमें, F3 में। अभी ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हर बिजनेस सेपरेट एंटिटी, लेकिन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कंपनी सेपरेट है। अच्छा, डबल एंट्री ड्वेलिटी कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट में रिकॉर्ड होता है, एक क्रेडिट, डेफिनेशन, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स, द ड्यूअल एस्पेक्ट अंडरपिंस द डबल एंट्री एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एंड वी हैव एग्जामिन दिस प्रिंसिपल इन डिटेल इन अर्लियर चैप्टर, ये हम पढ़ चुके। अब हिस्टोरिक कॉस्ट, हिस्टोरिक कॉस्ट क्या होती है, कोई भी आइटम है उसकी जो ओरिजिनल प्राइस होगी ना, वो हिस्टोरिक कॉस्ट कहलाता है, हिस्टोरिक कॉस्ट, हिस्टोरिक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जिस जिस पर परचेज किया आप, जैसे बिल्डिंग है, ये फर्ज करें हमने आज से 10 साल पहले खरीदी थी 2 करोड़ की, आज इसके मार्केट वैल्यू हो गए 10 करोड़, तो इसकी हिस्टोरिक कॉस्ट क्या है, पहले जो पहले थी ओरिजिनल मतलब जिस पे एक्चुअली खरीदा था एक्चुअल, संक कॉस्ट है नहीं वो अलग होती है। हिस्टोरिक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच ऑल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक कॉस्ट इनकर्ड। इसपे जो एडिशन था जिससे हाँ, कंपनी में एडिशन बिल्डिंग में एडिशन वो भी हिस्टोरिक कॉस्ट है नहीं अब वो नहीं, अदर फिगर शोन इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर एन आइटम इन द वैल्यू ऑफ द आइटम व्हेन ट्रांजेक्शन अकर्ड एंड नॉट अ करंट मार्केट, अच्छा, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग है, हम आइटम्स को उनकी हिस्टोरिक कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, बाकी जो रिवैल्यूशन होती है ये आप हम पढ़ेंगे F3 में, रिवैल्यूशन क्या होता है, ये सब चीजों से पढ़ेंगे, रिवैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अ प्रॉपर्टी इज शोन इन द फाइनल फाइनेंशियल अकाउंट्स एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट
not at a value that the property could be currently sold. The historic cost accounting. Although this may not show our true and fair view of the business, ये इसका एक disadvantage है। अब जो building फर्ज करें हमने 2 करोड़ की buy की थी, आज जो हो गई 10 करोड़ की, अगर हम historic cost accounting को follow कर रहे हैं तो हम उसको 2 करोड़ पे दिखाएंगे ना। तो इसका disadvantage क्या है कि आपके जो assets हैं वो current market value को reflect नहीं करेंगे। लेकिन क्या इट इज एट लीस्ट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हकीकत में तो ऐसे ही है ना, है तो 2 करोड़ की आपने खरीद। अच्छा, इन दैट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज अ फैक्ट, तो गलत हो भी नहीं है। अच्छा, एनी करंट मार्केट वैल्यूएशन वुड बी बेस्ड ऑन द ओपिनियंस ऑफ वेरियस वैल्यूअर्स एंड दस वुड बी सब्जेक्टिव। ठीक है, अब इसकी करंट वैल्यू मालूम करवाएं अगर, तो एक बता रहा है कि आपको 10 करोड़ है, दूसरा कहता है नहीं 9 करोड़ है, तीसरा कहेगा 10.5 करोड़ है। ये तो एक अपनी वैल्यूएशन पर है, अपनी अपनी ओपिनियन पे। एग्जैक्ट वैल्यू को पता चलेगी जब आप उसको सेल करें। वो कॉस्ट है जो उसकी मार्केट पे, जो करंट वैल्यू उसको मार्केट वैल्यू पे, तो मतलब कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना गलत। अच्छा, इन प्रैक्टिस ऑल्दो मोस्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर हेल्ड एट हिस्टोरिक प्रैक्टिकली, अच्छा ठीक है, सम बिजनेस माइट रीवैल्यू सर्टेन नॉन करंट एसेट्स स्पेशली लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो करंट वैल्यू इसकी रीजन क्या है? ठीक है, लैंड बिल्डिंग के जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू तेजी से चेंज होती है, फ्लक्चुएट होती है। इसके अलावा जो कोई एसेट्स है उनकी वैल्यू में इतना चेंज नहीं आता, फ्लक्चुएशन नहीं आती। जैसे फर्नीचर है, इसकी वैल्यू में खास चेंज नहीं आएगा। नॉर्मली क्या होता है, बिजनेस जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग को कर रिवैल्यूएशन मॉडल पर रिकॉर्ड करते हैं और बाकी तमाम एसेट्स को हिस्टोरिक कॉस्ट पे रिकॉर्ड। ठीक, तो ये हिस्टोरिक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें हम एसेट्स को अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड। वो तो उसी पे लगेगा ना, डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू आ जाएगी, बिल्डिंग पे भी लगती है डेप्रिसिएशन, लैंड के अलावा सब पे लगती है। लैंड ये कि बल्कि कैलकुलेशन के लिए हम नेट बुक वैल्यू लेंगे, तो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है ना, स्ट्रेट लाइन है रिड्यूसिंग है, स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट यूज होती है, रिड्यूसिंग में नेट बुक वैल्यू यूज होती है। वैसे अगर कोई हमसे पूछ रहा हो कोई भी कॉस्ट ऑफ, जैसे अभी मैंने इनकम की रिपोर्ट्स में देख रहा था, उसमें कैलकुलेट करने कैपिटल प्रॉफिट अच्छा, अब एक नया और कॉन्सेप्ट क्या, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो इसको पढ़ लेते पहले, क्या लिखते हैं, मटेरियलिटी इज अ थ्रेशोल्ड क्वालिटी, अच्छा, दैट इज डिमांडेड ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि हमें इसका ख्याल रखना है, लाजमी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड सेपरेटली डिस्क्लोज items that are significant material enough to affect decisions made by the user of financial statement. समझ में नहीं आया, इतना समझ आया कि ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, डिमांडेड ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए आपने मटेरियलिटी का ख्याल रखना है। अच्छा, होती क्या है, अब डेफिनेशन इसने यहाँ दी है कुछ इस तरह, इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट्स ओमिशन और मिस स्टेटमेंट वुड इन्फ्लुएंस डिसीजंस मेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी कि वो इंफॉर्मेशन जिसको इंक्लूड करने या ना करने से आपके डिसीजंस पे अफेक्ट पड़ता, वो मटेरियल। वो इंफॉर्मेशन जो आपके डिसीजंस को अफेक्ट करे वो मटेरियल है, और जो अफेक्ट ना करे वो इमेटेरियल। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अकाउंटिंग में मॉनिटरी टर्म्स में बात करेंगे, यहाँ तो बात ही सारी इसकी होती है ना। यानी कि वो वैल्यूज जो आपके डिसीजंस को अफेक्ट करें वो मटेरियल, और जो वैल्यूज आपके डिसीजन को अफेक्ट ना करें वो इमटेरियल है। और जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, और जो इमटेरियल होते हैं उनको हम एग्रीगेट करके भी दिखा सकते हैं। जैसे रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस मटेरियल अमाउंट होते हैं, अलग से रिकॉर्ड होते हैं, बाकी जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं पेटी का, जिसको आप एग्रीगेट करके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस का। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन। अच्छा,
जैसे कि अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, और अब फर्ज करेंगे व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब किसके लिए क्या है मटेरियल है और क्या इमेटेरियल, तो ये भी डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस। जैसे कि अगर आपकी फर्ज करें सेल है 10 मिलियन की, सेल है आपके बिजनेस की, और क्या हुआ कि आपने 1000 की गुड सेल की थी, उसे आपने 100 से रिकॉर्ड कर लिया, 900 का डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है इमेटेरियल, 900 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 900 से आपके सेल्स कम हो गए। अच्छा, तब ये मटेरियल अमाउंट है या इमेटेरियल, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस। क्या क्या व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट सिग्निफिकेंट विल डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फर्स्ट बड़ी करें, हाँ, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए मटेरियल है, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल उनके लिए मटेरियल। जैसे कि अगर आपकी टोटल सेल 10 मिलियन है और ये 900 क्या एक एरर आ गया, तो ये आपके डिसीजन को कोई अफेक्ट करेगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा, 900 और कहाँ 10 मिलियन। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए मटेरियल, ये अमाउंट 900 का अमाउंट आपके लिए इमेटेरियल होगा। ठीक। अच्छा, लेकिन अगर आपकी टोटल सेल 10,000 की थी और 900 का एरर आ गया, तो तक ये आपके लिए मटेरियल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मटेरियल है और क्या मटेरियल नहीं है, तो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये चीज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए हमें मटेरियलिटी का ख्याल रखना होता है। जो मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है उन्हें हम सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं, और इनमेटीरियल इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करके भी दिखा सकते। ये क्लियर हो गया आपको मटेरियलिटी? आप देखेंगे ना, मटेरियलिटी इज थ्रेशोल्ड क्वालिटी दैट इज डिमांडेड ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हर स्टेटमेंट में हमें इसका ख्याल रखना है। ये हो गई मटेरियलिटी। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न क्या होता है? क्या लगता है कि डेफिनेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड ऑन द एजम्पशन दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू इन ऑपरेशनल एग्जिस्टेंस फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर। तो नॉर्मली हर बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, हमारा नॉर्मली एजम्पशन ये होता है हर बिजनेस के लिए कि वो फ्यूचर में चलेगा, बंद होने का चांस नहीं है। तो आपको लगता है कि आपका बिजनेस फ्यूचर में चलेगा, तो आप कहेंगे आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है, और आपको लगता है कि आपका बिजनेस फ्यूचर में बंद हो जाएगा, तो आप कहेंगे आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है, या आपके बिजनेस का गोइंग कंसर्न डाउटफुल है। अच्छा, फ्यूचर में चलेगा तो कितना चलेगा, तो आप कहेंगे गोइंग कंसर्न है। कोई ड्यूरेशन? साल, 2 साल, 5 साल? नहीं, इसका ड्यूरेशन होता है 1 ईयर का। कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस एटलीस्ट 1 ईयर और चलेगा, तो आप कहेंगे आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है। आपको लगता है कि विद इन 1 ईयर आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, तो आप कहेंगे आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं। ठीक है, 1 साल होता है और इस पे। कोई सिंध में रहते आपके मतलब का कोई कर रहे तो उसका जो वही कंसर्न बहुत आगे तक होगा, 4-5 किलोमीटर में बंद नहीं है कोई और बिजनेस चलता ही का रहेगा। कल्चर ही है ऐसा, तो वो तो वही कंसर्न बड़ा ही बनाएगा 10 सालों का या 12 तक बड़ा बनाएगा क्या? तो होगा ही बनाएगा। चलता ही रहेगा। हाँ, सही है, ऐसे ही नॉर्मली। लेकिन कोई कॉम्पिटिटर्स आ गए बहुत सारे, हो अच्छा सकता है आपकी दुकान बंद हो जाए, उसकी चल जाए, कस्टमर आपके पास ना उसके पास चले जाए, तो वो भी बंद हो सकता है। तो नॉर्मली खैर यही अजम्पशन होता है कि बिजनेस चलेगा। जैसे कि आपने देखा टीएससी में एडमिशन लिया, आपने फीस एडवांस पे की, क्या फीस पे करते वक्त आपके जहन में ये ख्याल आया था कि अगर टीएससी कोर्स कंप्लीट होने से पहले अगर टीएससी बंद हो गया तो क्या हो? नहीं आया। क्यों नहीं आया? हाँ, क्योंकि आपके जहन अच्छा में था कब से चल रहा है, सालों से चल रहा है, इतना पुराना इंस्टीट्यूट है, तब तक बंद नहीं होता, आप आगे क्या बंद, तो इसलिए आपने टेंशन फ्री होकर फीस अपनी जमा करा दी है। सही, गुड। हाँ, नया कोई खुलेगा तो वहां पे आप थोड़ा सा सोचेंगे कि नया इंस्टीट्यूट है, महीने 2 महीने हुए, अभी 4 महीने हुए, चलेगा नहीं चलेगा, तो वहां पे एडवांस फीस नहीं देंगे, वहां पे कहेंगे 2 पेपर की ले लो, बाकी बाद में देखें, ऐसा ही होता है ना। सही, राइट। तो नॉर्मली हमारे हर बिजनेस के लिए अजम्पशन होता है कि फ्यूचर में चलेगा, बंद होने का चांस नहीं। अच्छा, अब इससे फर्क क्या आएगा?
अब हम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, एक बिजनेस है गोइंग कंसर्न और दूसरा बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है, तो दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। अच्छा, अगर हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो हम अपने एसेट्स को ना नेट बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। जैसे कि हम रिकॉर्ड करते हैं, अभी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे तो उसमें जैसे नॉन करेंट एसेट की बात करें तो हम उसको क्या लिखते हैं, एसेट की कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड नेट बुक, ठीक है। तो अगर हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न होता है तो हम अपने एसेट्स को नेट बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, और अगर गोइंग कंसर्न ना हो फिर क्या होता है, और उससे बात, ठीक है। दिस मींस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन अप ऑन द अजम्पशन दैट देयर इज नो इंटेंशन और नेसेसिटी टू क्लोज डाउन द बिजनेस। नॉर्मल अजम्पशन यही होता है, ठीक है। सर फाइनेंशियल अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस, देन दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन व्हाट इज नोन एज ब्रेकअप बेसिस। अगर अब हमें लग रहा है कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो हम अपने एसेट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ब्रेकअप बेसिस पे बनाए। अच्छा, अभी ब्रेकअप बेस अकाउंटिंग क्या होती है, द ब्रेकअप बेसिस रिफ्लेक्ट्स द फॉलोइंग। ठीक है, सम एसेट्स मे बी सोल्ड एट लेस देन देयर वैल्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बिकॉज व्हाइल्स अ मशीन मे हैव अ यूज फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस इट मे बी अ स्क्रैप मेटल टू एनी वन एल्स। ठीक है, अगर आपका बिजनेस देखिए चल रहा है, कंटिन्यू चलता हुआ बिजनेस है, उसे आप सेल करते हैं तो एक अच्छा वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका बिजनेस बाय करेगा उसके लिए हर चीज यूजफुल होगी ना। जैसे इंस्टीट्यूट की बात करें, अगर सेल करते हैं तो जो भी इंस्टीट्यूट बाय करेगा उसके लिए हर चीज यूजफुल है, बोर्ड फैन हर चीज यूजफुल है, फर्नीचर। अच्छा, अब आपका बिजनेस अगर बंद हो रहा है तो उसमें क्या होता है, आप अपने एसेट्स को ब्रेक करके बेचते हैं ना, फिर फर्नीचर किसी एक को सेल करेंगे, मशीनरी किसी दूसरे को, बिल्डिंग किसी तीसरे को, हर आइटम अलग अलग सेल होगा, आपने खत्म करना है। अच्छा, बिल्डिंग के पैसे तो आपको ज्यादा मिल सकते हैं, फिर बिल्डिंग के अलावा बाकी एसेट्स के पैसे कम ही मिलते हैं, क्योंकि ये चीज अगर आपके लिए यूजफुल है तो दूसरे के लिए वो स्क्रैप हो सकता है। इसी तरह देखिए, आपको स्टॉक रखा हुआ है, स्टॉक को आप नॉर्मल वे में सेल करेंगे तो एक अच्छी वैल्यू मिलेगी, और अगर पूरा स्टॉक एज अ होल सेल करेंगे तो पैसे कम मिले, डिस्काउंट देना पड़ेगा, कम में जाएगी ना स्टॉक आपका। सही। अच्छा, इसी तरह आपके रिसीवेबल्स हैं, कस्टमर्स हैं, ट्रेड पे सेल की में रिसीवेबल्स हैं, नॉर्मल वे में कलेक्शन करते रहेंगे तो अच्छे पैसे आ जाएंगे। अगर आपके कस्टमर्स को पता चला कि आपका बिजनेस बंद होने वाला है क्या होगा, पैसे देने आ जाएंगे वो, टोपियां चढ़ाना शुरू कर देंगे वो, फिर बहाने बनाएंगे ताकि उनको पता है कि बस कुछ महीने की बात है, उसके बाद जान छूट जाएगी। उसमें भी क्या होगा, आपके डाउटफुल डेट्स बैड डेट्स आपके बढ़ जाएंगे, रिसीवेबल कम हो जाते, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आपको मिलेंगी ना, फिर हम अपने एसेट्स को ऑन वैल्यूज पे रिकॉर्ड करेंगे, वो कहलाती है ब्रेकअप बेसिस वैल्यू, ठीक है। इसमें कहता है ब्रेकअप इज रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग, देखिए, सम एसेट्स मे बी सोल्ड एट लेस देन देयर वैल्यू इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिकॉज व्हाइल्स अ मशीन मे हैव अ यूज फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस और इट मे बी स्क्रैप मेटल टू एनीवन एल्स। ऐसा ही है। इन कंट्रास्ट, प्रॉपर्टी मे बी सोल्ड फॉर अ वैल्यू इन एक्सेस ऑफ दैट शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। अगर ओरिजिनल कॉस्ट आपने रिकॉर्ड किया हुआ हिस्टोरिक कॉस्ट पे तो उसके पैसे यकीन आपको अच्छे मिलेंगे। अच्छा, इफ द एंटायर इन्वेंट्री सोल्ड एट वंस देन इट विल नॉट बी सोल्ड फॉर एज मच मनी एज इफ इट वर सोल्ड इन द नॉर्मल वे। ऐसा ही है। अच्छा, सम कस्टमर्स मे डिसाइड नॉट टू पे द बिजनेस इफ इट इज नोन द बिजनेस इज अबाउट टू गो इन टू लिक्विडेशन। ऐसा ही होता है। तो फिर कितने रिसीव होंगे उस पे आपने रिसीवेबल को रिकॉर्ड करना, ये है ब्रेकअप बेस अकाउंट। अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो हम अपने एसेट को बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, और अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो हम उनको फिर ब्रेकअप बेस पे रिकॉर्ड, ठीक है, बंद होने की सूरत में कितने पैसे आपको मिलेंगे। अच्छा, तो ये हो गया गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सेलिंग बस सेलिंग प्राइस तो वेरी अगर पड़ा हुआ है वो अगर कॉस्ट सेलिंग प्राइस पे, कि अगर एज लमसम बेचते हैं तो स्टॉक कितने में सेल होगा। बेच अली अगर बेच हाँ, अगर बेचना पड़े, क्योंकि जब गोइंग कंसर्न डाउटफुल होता है तो फिर तो आपको बेचना ही होता है ना,
उस पर फिर वो वैल्यू निकालते हैं कि अगर आपको बेचना पड़ा अलग अलग करके तो क्या पैसे। इसके बाद एक्रूवल कॉन्सेप्ट, एक्रूवल बेस अकाउंटिंग हमने पढ़ा था ना, एक्रूवल प्री पेमेंट में। फिर ट्रांजेक्शन जब अकर होगी तब उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट या पेमेंट का इंतजार नहीं करते। पढ़ लेते हैं, इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स एज इट इज अर्न्ड, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव। ठीक है, अर्न कर ली तो रिकॉर्ड कर लेंगे। एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज एज इट इज इनकर्ड, नॉट व्हेन इट इज पेड फॉर। ठीक है, पेमेंट या रिसिप्ट का इंतजार नहीं करते, बस जब ट्रांजेक्शन अगर हो गए उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। व्हेन इनकम इज अर्न ओवर टाइम, फॉर एग्जाम्पल रेंटल इनकम और एक्सपेंडिचर आर टाइम रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल रेंटल पेमेंट। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस शुड रिलेट टू द टाइम पीरियड, नॉट टू द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश। मीन्स के नहीं, जिस ईयर के एक्सपेंस है उस ईयर में चार्ज होंगे, जिस ईयर की इनकम है उस ईयर में रिकॉर्ड होगी, पेमेंट या रिसिप्ट का इंतजार नहीं कर। ये एक्रुअल बेस अकाउंट, मैचिंग प्रिंसिपल बेसिक हाँ इसको फॉलो करेंगे तो मैचिंग भी अप्लाई हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक्रुअल बेस अकाउंटिंग और मैचिंग प्रिंसिपल। एक को फॉलो करेंगे तो दूसरा भी अप्लाई हो जाए। तो इससे ये होता है कि जिस ईयर के एक्सपेंस होते हैं उस ईयर में चार्ज हो जाते हैं, जिस ईयर की इनकम होती है उस ईयर में रिकॉर्ड हो जाती है, तो यहाँ आपका मैचिंग प्रिंसिपल भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अच्छा फिर कंसिस्टेंसी, तो वैसे इसके कंसिस्टेंसी के मीनिंग क्या होते हैं? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट खेलते रहना, एक मुस्तकिल मिजाजी कह रहे हैं जिसको, एक जैसे आप एसीसी कर रहे हैं तो एसीसी करते रहें, ये कंसिस्टेंसी। ठीक है ना, बीकॉम कर रहे हैं बीकॉम कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं सीए करते रहें, एमबीए कर रहे हैं एमबीए करते रहें, ये कंसिस्टेंसी। डेफिनेशन तो इस राइट, अ बिजनेस शुड बी कंसिस्टेंट इन इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सिमिलर आइटम बोथ विद इन पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड एंड व्हेन एंड बिटवीन वन अकाउंटिंग पीरियड एंड द नेक्स्ट। जैसे एक साल आपने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, उसको आपने एसेट रिकॉर्ड कर लिया, तो नेक्स्ट ईयर भी उसको आपने एसेट ही रिकॉर्ड करना है। ये नहीं होगा कि एक साल कैपिटल एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थर्ड ईयर कुछ और, फोर्थ ईयर में कुछ। जैसे अब स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए, तो हर साल स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं। ये ना हो कि एक साल स्ट्रेट लाइन, दूसरे साल रिड्यूसिंग, तीसरे साल कुछ और, चौथे साल कुछ। ठीक है, इसी तरह से हर चीज में रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, मेथड्स, यहाँ तक के प्रेजेंटेशन, क्या आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें आपने जो चीज पहले लिखी है वो नेक्स्ट ईयर में वही चीज पहले आएगी, जो चीज बाद में वो बाद, उसका भी सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए ताकि कंपैरिजन में आसान। यह है कंसिस्टेंसी। तो रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, मेथड, प्रेजेंटेशन, हर चीज में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लास्ट। कंसिस्टेंसी प्रिवेंट्स फॉर एग्जांपल सिमिलर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर बीइंग ट्रीटेड एज कैपिटल आइटम्स एंड इंक्लूडेड एज अ नॉन करंट एसेट इन वन ईयर। ठीक है, बट एज रेवेन्यू आइटम डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट इन अनदर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल एसेट रिकॉर्ड कर लें, एक साल एक्सपेंस, एक साल एसेट, एक साल एक्सपेंस, ये नहीं होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हैं तो हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हैं तो हर साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट। और एग्जांपल अच्छा फिर नेक्स्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये हमने पढ़ा था बैड डेट्स के ना टाइम। अगर आप फ्यूचर में के लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड कर लें, और गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वेट करें जब तक कि वो रियलाइज ना। ट्रेडिशनल पढ़ लेते हैं, ट्रेडिशनली प्रूडेंस वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हाउएवर मॉडर्न थिंकिंग हैज डेवलप्ड डाउन प्लेड इट्स इंपॉर्टेंस एंड इट इज नो लॉन्गर सेपरेटली रेफर्ड टू। अच्छा जी, द इश्यू ऑफ प्रूडेंस द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नाउ एब्जॉर्ब विद इन न्यूली डिफाइंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंसिडर्ड एल्सवेयर विद इन दिस चैप्टर। बात करता हूँ क्या डेफिनेशन, इन कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी अ कॉशियस अप्रोच शुड बी टेकन सो दैट गेन्स एंड एसेट्स आर नॉट ओवर स्टेटेड।
गेन और एसेट ओवर स्टेट नाउ एंड लॉसेज एंड लाइबिलिटीज आर नॉट अंडर स्टेट। इस बात का ख्याल रखना होता है कि गेन और एसेट ओवर स्टेट नहीं होने चाहिए और एक्स लॉस और लाइबिलिटीज अंडर स्टेट ना होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है अगर गेन और एसेट आपके ओवर स्टेट हो जाएं तो आपकी परफॉर्मेंस पोजीशन बेहतर नजर आएगी, और अगर आपकी लाइबिलिटीज और लॉसेज अंडर स्टेटेड हो गए तो भी आपकी परफॉर्मेंस पोजीशन बेहतर नजर, ये चीज का ख्याल हमें रखना हो। और पता चलो उसकी बेस पे किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दी, बाद में लॉस हो गया, इस चीज का ख्याल रखना। दिस मींस दैट इसका मतलब क्या, सेल्स एंड प्रॉफिट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अंटिल द कैश हैज बीन रिसीव्ड और देयर इज रिस्पॉन्स रीजनेबल सर्टेनिटी दैट कैश विल बी रिसीव्ड। सेल या प्रॉफिट उस वक्त रिकॉर्ड नहीं करेंगे कैश रिसीव ना हो जाए या यहाँ पे रीजनेबल सर्टेनिटी ना हो कि आपको कैश मिलेगा। अच्छा तो क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे, कह रहे सेल्स एंड प्रॉफिट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अंटिल द कैश हैज बीन रिसीव्ड और देर इज रीजनेबल सर्टेनिटी दैट द कैश विल बी रिसीव्ड। हाँ क्योंकि देखिए क्रेडिट पे सेल करते तो वहां सर्टेन होते हैं कि मिल जाएंगे, मिलने के चांस ज्यादा होते हैं क्रेडिट सेल में, बैड डेट के चांसेस ठीक है, तो रिकॉर्ड इसीलिए हम उसको उस क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करते हैं ठीक है। इन कंट्रास्ट लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज सून एज दे आर फॉरसीन एंड कंसिडर्ड रीजनेबली सर्टेन, लॉसेस और एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाए। अच्छा फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट। अच्छा ये हमने वहां भी पढ़ा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ना, रूल क्या था वहां पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कि स्टॉक्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, तो उसकी भी रीजन क्या थी प्रूडेंस कौन सा है कि लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉरन रिकॉर्ड कर लेंगे, गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वेट करें जब तक कि वो रियलाइज ना। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो रीजन इसकी क्या थी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, इज सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, दिस नॉर्मली रिजल्ट्स इन इन्वेंट्री बीइंग वैल्यूड एट कॉस्ट, नॉर्मली कॉस्ट वैल्यू करते हैं इफ एनआरवी इज ग्रेटर देन कॉस्ट ठीक, एंड द गुड्स वर टू बी वैल्यूड एट एनआरवी व्हेन द बिजनेस वुड बी रिकॉग्नाइजिंग, कहते हैं कि द्वार पड़ता है दिस इज नॉर्मली रिजल्ट इन इन्वेंट्री बीइंग वैल्यूड एट कॉस्ट इफ एनआरवी इज ग्रेटर देन कॉस्ट एंड गुड्स वर टू बी वैल्यूड एट एनआरवी। अच्छा एनआरवी अगर ग्रेटर है और आपने गुड्स को एनआरवी पे वैल्यू किया अपने स्टॉक को, तो इसका मतलब क्या है देन द बिजनेस वुड बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉफिट ऑन सेल बिफोर इट हैड बीन, तो इसलिए फिर हम उस पर रिकॉर्ड नहीं करते। इफ एनआरवी इज लेस देन कॉस्ट द गुड्स आर वैल्यूड एट द एनआरवी, अगर एनआरवी कम है और आपने एनआरवी पे उसको वैल्यू किया तो दैट इज एक्सपेक्टेड लॉस ऑन द इवेंचुअल सेल ऑफ द गुड्स इज रिकॉग्नाइज्ड इमेज, लोअर पे लेते ना लोअर पे तो ये कंडीशन में क्या क्या मतलब, अगर एनआरवी ग्रेटर है और ग्रेटर का अगर मतलब हो गया आपको गेन होगा, एनआरवी ज्यादा है कॉस्ट कम है तो वैल्यू किस पे करेंगे कॉस्ट पे, लेकिन अगर आप एनआरवी पे करते हैं वैल्यू तो इसका मतलब क्या होगा वो जो एक्सपेक्टेड गेन है वो आपने रिकॉर्ड कर लिया तो उसके अगेंस्ट हो गया ना, क्योंकि ग्रेटर पे रिकॉर्ड करेंगे तो आपका स्टॉक ज्यादा होगा कॉस्ट कम हो जाएगी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसका मतलब आपने एक्सपेक्टेड लॉस गेन रिकॉर्ड कर लिया ठीक है। अच्छा अब क्या एनआरवी कम है कॉस्ट ज्यादा है किस पे वैल्यू करेंगे एनआरवी पे कम पे, तो कम पे वैल्यू करेंगे मतलब होगा आपने जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो अभी से रिकॉर्ड कर लिया, ये बात है इसको रीड कर लें दोबारा, कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो ये आप लोग सिर्फ रीड कर लेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे डिटेल में F3 में, इसमें फुल फॉर्म होती है इसकी IAS, मैं पढ़ाऊंगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं बहुत सारे हैं 1 से लेके 50 तक बने हैं बहुत सारे,
हर टॉपिक पे एक आईएएस होता है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना हो, मतलब पढ़ लेते हैं। लेकिन द नीड फॉर रेगुलेशंस, रेगुलेशंस की जरूरत क्यों है? विदाउट अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रेगुलेशंस प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड इन थ्योरी बी एबल टू अडॉप्ट वॉट एवर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे चूज। अगर कोई रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है तो फिर तो आपकी मर्जी है ना, कोई भी रूल अप्लाई करते हैं, कोई भी पॉलिसी अप्लाई करते हैं। इससे क्या होगा, दिस मीन्स दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर यूजर टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी इन अ मीनिंगफुल वे, क्योंकि हर बंदा अपनी मर्जी के रूल्स फॉलो करेगा, अपनी मर्जी के स्टेटमेंट्स बनाएगा, तो आप उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते, चेक कर ही नहीं सकते। तो इट वुड बी ऑल्सो बी इम्पॉसिबल टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। हर एक के रूल्स अलग हैं, पॉलिसीज अलग हैं, मेथड्स अलग है, तो कंपेरिजन नहीं हो सकता। अच्छा, इन एडिशन प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट माई डेलिबरेटली अटेम्प्ट टू प्रेजेंट एन इनएक्यूरेट पिक्चर ऑफ एंटिटीज परफॉर्मेंस एंड पोजिशन। तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे ना अगर रूल्स रेगुलेशन ना, जब ट्रैफिक के रूल्स ना हो तो हर बंदा अपनी मर्जी से गाड़ी चलाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो हमें जरूरत क्या पड़ती है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, क्या बनाया गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडेंस गाइडलाइंस इशूड बाय अ बॉडी फॉर्म विद इन द अकाउंटेंसी प्रोफेशन, ठीक है, गवर्निंग द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट पर्पोर्ट टू शो अ ट्रू एंड फेयर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन पर्पज क्या है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दें आपके बिजनेस का, उसमें किसी किस्म की चीटिंग बेईमानी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईएएस एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ बेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस। ठीक, द स्टैंडर्ड्स सेट आउट द मैनर इन विच अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंट। द स्टैंडर्ड्स ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ सर्टेन आइटम्स शुड बी प्रेजेंटेड इन द अकाउंट्स। अच्छा, नॉर्मली इसको फॉलो कौन करती है? कंपनीज फॉलो करती हैं, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप नॉर्मली फॉलो नहीं करती। कंपनी की तो मस्त है, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट्स दैट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लॉज ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट। अच्छा, इसके साथ हमारे यहाँ एक बिजनेस लॉ भी होता है हर कंट्री का जो उनको फॉलो करना होता है कंपनीज को, वो आप पढ़ेंगे पेपर F4 में जाके बिजनेस। मैनी कंट्रीज नाउ अलाउ और रिक्वायर कंपनीज टू यूज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इंस्टेड ऑफ लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो पहले हर कंट्री के अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते थे, अब क्या हो गया, अब इंटरनेशनल बन, अब पूरी कंट्री में, पूरी वर्ल्ड में एक ही स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं। सिमिलैरिटी। अच्छा, सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप डू नॉट नॉर्मली हैव टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाउएवर, सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप टेंड टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एज दे रिप्रेजेंट बेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस। चाहें तो कर सकते हैं। द टैक्स अथॉरिटीज एंड अदर एक्सटर्नल यूजर ऑफन टेक द व्यू दैट अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उनको भी आसानी रहेगी, टैक्स वालों को भी। अच्छा, इसके कुछ नाम दिए मैं, ठीक है, ये हमने इसमें तो चीजें पढ़ ली हैं जो ना मेन मेन। तब इसके बाद ये थ्योरी है, ये आप लोग सिर्फ रीड कर लीजिएगा घर पे, इम्पोर्टेंस ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन, ये सब थ्योरी अपने घर पे रीड करनी है। कॉन्सेप्ट सुधार, ये सब थ्योरी है, ये सब रीडिंग एक चीज और रहती है। हम ये पढ़ लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद, एक ब्रेक ले लें पहले, ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर। अब है इसमें नंबर 5, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टम। रेवेन्यू की बात करेंगे हम, रेवेन्यू को रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, कैसा अमाउंट से रिकॉर्ड करना है। ठीक, डेफिनेशन क्या है? रेवेन्यू
रेवेन्यूज द इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, ये इनकम होती है आपकी सेल करके या सर्विस प्रोवाइड करके आपको। तो दिस यूजुअली अराइजेज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। अच्छा, रेवेन्यू इज रिकग्नाइज व्हेन इट हैज बीन अर्नड एंड व्हेन इट बिकम्स रिसीवेबल, व्हिच इज नॉट नेसेसरी व्हेन कैश इज रिसीव्ड इन रिलेशन टू सेल्स। बात करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। प्रिंसिपल रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज डिस्चार्ज्ड एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड गुड्स एंड और सर्विसेज एंड कॉन्सिक्वेंटली हैज अ राइट टू रिसीव द रेवेन्यू। क्या लिखते हैं, इन प्रिंसिपल रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगी? When an organization has discharged an obligation to provide goods and or services, goods provide करनी थी goods provide कर दी तो revenue record हो जाएगी, service provide करनी थी service provide कर दी revenue record हो जाएगी। अच्छा, and consequently has a right to receive the revenue। ठीक, this is achieved by applying 5-step process as follows। अच्छा, एक चीज है यहाँ goods and or service। अच्छा, गुड्स और सर्विस मीन्स या तो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं आप या सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब गुड्स दे रहे हैं बाद में सर्विस भी प्रोवाइड कर, जैसे आपने एसी का बिजनेस, एसी लगा दिया आपने, बाद में उसकी मेंटेनेंस भी आप ही कर रहे हैं, मेंटेनेंस आ जाएगी। कंप्यूटर आपने सेल किया किसी को, बाद में आप उसकी सर्विस भी आप दे रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस, गुड्स एंड सर्विस में आ गए। तो दिस इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग 5-step प्रोसेस एज फॉलो। ठीक है, कि रेवेन्यू को रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? क्या है ये रेवेन्यू जब मिल जाए कैश, नहीं, ऊपर वही पॉइंट था ना, मेल रिसीव हो जाए या सर्टेन, इसीलिए हम क्रेडिट सेल भी ये रिकॉर्ड कर दोनों लेते इसमें हैं। ये भी आते कि वो रिसीव कैश रिसीव हो जाए या सर्टेन, रिसीव हो जाएगा तो हम रिकॉर्ड कर लेते, अभी तो क्रेडिट सेल रिकॉर्ड कर, रीजनेबली सर्टेन। पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। What are the rights and obligation between the two parties? The contract has the seller has the obligation to provide the good, agreed goods and or service. ये तो आपकी सेलर की ऑब्लिगेशन होती है। And then has a right to receive revenue as agreed. ये तो हर कॉन्ट्रैक्ट में यही दो ऑब्लिगेशन होती हैं कि आपने गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करनी है और देन आपको रेवेन्यू रिसीव होगा। ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इफ अ बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, कैन दे बी सेपरेटेड सो दैट एज ईच सेपरेट ऑब्लिगेशन इज परफॉर्म। ठीक है, द सेलर हैज अ राइट टू रिसीव रेवेन्यू फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ दैट ऑब्लिगेशन। ठीक, ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करते जाएं और रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग अ ट्यूशन कोर्स ऑफ 10 लेक्चर्स फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 200 कैन बी डिवाइडेड इन टू 10 सेपरेट ऑब्लिगेशन। ठीक है, 10 लेक्चर्स हैं, 200 फीस है, तो उसको 10 ऑब्लिगेशन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एंड ईच टाइम अ लेक्चर इज डिलीवर्ड रेवेन्यू ऑफ 20 कैन बी। ठीक है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही, लेक्चर देते जाएं और रेवेन्यू रिकॉर्ड करते। थर्ड पॉइंट होगा डिटरमिन ट्रांजेक्शन प्राइस। ये तो पता होता है ना, दिस इज ऑफन इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम प्राइस लिस्ट और फ्रॉम कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन बिटवीन द टू पार्टीज। ठीक है, प्राइस डिसाइड होती है आपकी। लास्ट करते हैं, एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। प्राइस को आप ऑब्लिगेशन के हिसाब से एलोकेट कर दो, ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप, ऑब्लिगेशंस, लाइबिलिटी आप। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग ए ट्यूशन कोर्स ऑफ 10 लेक्चर प्लस कोर्स मटेरियल्स। अब दो ऑब्लिगेशन हो गए, लेक्चर भी देना है, नोट्स भी देना है। फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 250 मे बी एलोकेटेड एज फॉर। अब यहाँ दो ऑब्लिगेशन आ गई ना, कि आपने ट्यूशन देनी है, लेक्चर और प्लस नोट्स देने, 50 फॉर कोर्स मटेरियल एंड 200 फॉर 10 लेक्चर। ऑब्लिगेशन के हिसाब से आपने प्राइस को एलोकेट करना है। अच्छा, अब क्या होगा, फर्स्ट लेक्चर आपने दिया और फर्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में आपने नोट्स भी दे दिए, तो कितनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे?
एक लेक्चर दिया आपने पहले दिन, गए पढ़ा क्या है, और उसी दिन आपने नोट्स भी दे दिए सारे, कितनी इनकम रिकॉर्ड करें? डिवाइड करेंगे हाँ कितनी रिकॉर्ड होगी? देखिए ये डिवाइड। तो आइडेंटिफाई तो हमने ऊपर किया था, एक लेक्चर पे $20 है, 20 वो और 50 नोट्स के, 70 रिकॉर्ड हो जाएंगे इस तरह। उसके बाद फिर 20 20 हर लेक्चर के एंड पे रिकॉर्ड करते रहे। क्या लगता है रेवेन्यू आपका थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या होगा? आपको रिकग्नाइज रेवेन्यू एज और व्हेन और एज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर नॉर्मली सेटिस्फाइड व्हेन फिजिकल कंट्रोल ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर टू द बायर। इसका मतलब वो आपने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी, गुड्स सप्लाई करके आ गए। एंड फॉर सर्विसेज व्हेन सर्विस हैव बीन सप्लाई। यूजिंग द प्रीवियस एग्जाम्पल, इफ कोर्स मटीरियल आर इश्यूड ड्यूरिंग द फर्स्ट लेक्चर, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट लेक्चर रेवेन्यू ऑफ 50 फॉर द गुड्स कैन बी रिकग्नाइज प्लस 200 फॉर द प्रोविजन ऑफ फर्स्ट लेक्चर। 24 नहीं वो प्रोविजन नहीं है, ये वाली प्रोविजन प्रोवाइड करना, यहाँ मतलब है प्रोविजन ऑफ फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर आपने प्रोवाइड कर दिया, डिलीवर कर दिया, ये वहाँ प्रोविजन का ये वो मतलब, वो लाइबिलिटीज प्रोविजन वाली नहीं है, इसी तरह होता है सर। ठीक है। अच्छा, इफ अमाउंट्स आर रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर इट शुड बी अकाउंटेड फॉर एज डेफर्ड इनकम। अगर एडवांस ले रहे हैं तो प्रीपेड इनकम हो जाएगी ना। दैट इज द लाइबिलिटी एज फॉलो। रिकॉर्ड आपने क्या करना है फिर, कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट या डेफर्ड इनकम या प्रीपेड इनकम क्रेडिट, लाइबिलिटी है एडवांस ले रहे हैं तो। अच्छा, अब आपने एडवांस फीस ले ली तो एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट। दिस इज बिकॉज द सैलर डज नॉट येट हैव द राइट टू रिकग्नाइज रेवेन्यू। ठीक, वो आपकी इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है ना, एडवांस लिया आपने। एज गुड्स एंड सर्विस आर सप्लाइड टू डिस्चार्ज एन ऑब्लिगेशन रेवेन्यू कैन बी रिकग्नाइज एज सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करने के बाद फिर एंट्री क्या होगी? डेफर्ड इनकम डेबिट, प्रीपेड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट। लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, प्रीपेड प्रीपेड इनकम वाले। अगर आपने फीस एडवांस ट्यूशन पढ़ा रहे हैं किसी को, एडवांस फीस ली तो आप एंट्री क्या बनाएंगे? कैश डेबिट, प्रीपेड इनकम क्रेडिट। और जब आपका महीना पूरा हो जाएगा मंथ, फिर आप एंट्री क्या बनाएंगे मंथ एंड पे? डेफर्ड इनकम या प्रीपेड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट, यानी वो लाइबिलिटी आपकी इनकम में कन्वर्ट। राइट, बाकी ये समरी आप पढ़ लीजिएगा, ये आपका चैप्टर हो गया। साथ ही एफर्ट होगी हमारा।